नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। किसी महिला या लड़की के साथ छेड़खानी की घटना सुनकर आज के समय में इंसान के जहन में दहशत का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब मामला झूठा हो तो इंसान के दिल पर क्या बीतती है। पानीपत के समालका के गांव में बीती रात छात्रा के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले ने पूरे प्रशासन की नींद हराम कर दी थी, लेकिन आज छात्रा पुलिस के सामने अपने बयान से बदल गई। छात्रा ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि उसने अपनी माँ की पिटाई के डर से झूठी कहानी बनाई थी ताकि स्कूल की पढ़ाई के लिए उसकी माँ उसे परेशान न कर सके। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के 164 के बयान दर्ज करवा कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। लड़की के फादर ने सुंदर सिंह ने दरखास्त दी थी, उस पे कानून के अनुसार उसमें FIR दर्ज कर दी थी। कल उसका मेडिकल कराया था जहां लड़की ने रिफ्यूज कर दिया था। आज उसके 164 के बयान की करवाए हैं, जिसमें उसने बताया है कि भाई मेरी माताजी ने पढ़ाई के ऊपर मेरे को डांट दिया था, इसके अलावा मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं, गलत किसी ने नहीं किया है, और मैं डर के हमारे गाँव में छूट गई थी। 2 घंटे के बाद मैं वापस आई और ये सिर्फ मेरी माँ के धमकाने के कारण हुआ। मैम, लेकिन जो कल उन्होंने शिकायत दी थी उसमें 10 लोगों के नाम और खेत में मौके पर मिली थी मैडम, इसमें बयान पलटने का कारण क्या है? हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसके ऊपर कोई ऐसे प्रेशर है या कोई ऐसी बात है। वो बिल्कुल, उसने कल थोड़ा सा ये उसकी माँ ने पढ़ाई के ऊपर धमकाया उसको, और यही हमारी नॉलेज में आया है कि सिर्फ पढ़ाई के कारण उसने ये डर से कि भाई मेरे को मेरी माँ मार ना दे, इसलिए ये झूठ बोल दिया। ऐसी कोई कहानी हमारे सामने नहीं आई और बयान 164 के अंडर भी यही कहा। बताया गया कि लड़की काउंसलिंग करवाने चाहिए पुलिस, लेकिन प्रिजनर ने काउंसलिंग करवाने से मना कर दिया। नहीं, उसकी काउंसलिंग हो चुकी है सर, और मेडिकल हो चुका है, मतलब मेडिकल के लिए मना कर दिया है उन्होंने, और 164 के बयान हो चुके हैं। कानून के अनुसार सारी कार्रवाई पूर्ण कर दी गई। कल पुलिस द्वारा जानकारी दी गई थी, 10 लोग आए थे गाड़ी में, इस बारे में सूचना मिली ठीक है।